नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे कि BHU एंट्रेंस एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों चैप्टर को मिलाकर। एंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान और प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान, तो इन दोनों चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह BHU एग्रीकल्चर का मिशन 2020 के अंतर्गत एग्रीकल्चर पोर्शन का 5वां वीडियो है। तो यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंटोमोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एंटोमोलॉजी में ये लॉग लगा है, इसलिए है ग्रीक वर्ड है। एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी के जो पिता माने जाते हैं वो डॉक्टर एम्स हैं। दोस्तों, जो एंटोमोलॉजी में जो मेनली पढ़ना है वो है मॉर्फोलॉजी। इंसेक्ट के बारे में आपको मेनली जो पढ़ना है इंसेक्ट के बारे में पढ़ना होगा और इंसेक्ट के मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा, और जो दूसरा है कि इंसेक्ट का प्लांट के संबंध में पढ़ना होगा। तो इंसेक्ट के जो प्लांट के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे वो वेक्टर और सिम्टम, यानी कि कौन सा इंसेक्ट किस प्लांट से संबंधित है, और वो जो इंसेक्ट जिस प्लांट से भी संबंधित है वो उसमें वो क्या सिम्टम पैदा करता है या उसके किसी रोग का वाहक का काम करता है, ये प्लांट के संबंध में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी यानी कि उसके बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो इंसेक्ट है उसका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा का मीन सेगमेंटेड होता है, और जो उसका क्लास है वो हेक्सापोडा है, इसको इंसेक्टा भी कहते हैं। हेक्सा मीन 6 होता है, यानी कि इसमें इंसेक्ट में 6 लेग होते हैं। तो यहाँ पर जो ये 3-4 है जो इंसेक्ट की प्रमुख विशेषता है, इसको याद ही कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सबसे पहली विशेषता है और सबसे मेन विशेषता है इंसेक्ट की, ये इंसेक्ट को किसी अन्य से डिफरेंट बनाता है। जैसे अरेक्निडा होता है, उसमें 4 पेयर लेग होता है, तो ये जो है तो उससे डिफरेंट करती है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कि इंसेक्ट किस प्रकार से डिफरेंट है। तो इसमें 3 पेयर ऑफ लेग होता है जो कि सेगमेंटेड होते हैं, दूसरा 2 पेयर ऑफ विंग्स होता है यानी 4 विंग होते हैं, 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है, और इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप को होता है, यानी खुला प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। जो अगला पढ़ना है वो है उसका बॉडी के बारे में थोड़ा। जो उसका बॉडी होता है वो सेगमेंटेड होता है और वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो उसका पहला पार्ट है वो हेड है, जो उसका बीच वाला पार्ट होता है वो थोरेक्स होता है, और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है वो एब्डोमेन होता है। जो थोरेक्स होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसका पहला है प्रोथोरेक्स, दूसरा जो है बीच वाला है वो मेजोथोरेक्स है, जो लास्ट वाला है यानी कि अंतिम वाला है वो मेटाथोरेक्स है। दोस्तों, जो प्रोथोरेक्स में जो दूसरी बात यह है कि जो इंसेक्ट के लेग होते हैं वो केवल थोरेक्स में ही पाए जाते हैं, हेड और एब्डोमेन में इंसेक्ट के लेग नहीं पाए जाते हैं। और यदि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसेक्ट के लेग किस पार्ट में पाए जाते हैं तो वो थोरेक्स होगा। तो जो थोरेक्स के जो प्रोथोरेक्स पार्ट में लेग पाया जाएगा उसको फोर लेग बोला जाएगा, जो मेजो पार्ट में लेग पाया जाएगा उसको मिड लेग बोला जाएगा, और जो मेटाथोरेक्स में लेग पाया जाएगा उसको हाइंड लेग बोला जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बी में पालन बास्केट पाया जाता है वो किस पैर में पाया जाता है उसका, तो उसका हैंड लेग में पाया जाता है, और यदि हैंड लेग नहीं दिया रहता है तो हैंड लेग के स्थान पर मेटा दिया रहता है, तो ये भी सही होगा। तो इसको आप लोग कंफर्म करेंगे, वो जो उसका पैर होता है कुछ इस तरह होता है। जो थोरेक्स होता है, थोरेक्स में 1 पेयर या 2 पेयर दोनों पेयर का विंग पाया जा सकता है, यानी कि 1 पेयर तो इसका पाया जाना निश्चित है, लेकिन 2 पेयर भी किन्हीं किन्हीं में पाया जाता है। जो नेक्स्ट है वो है अरेक्निडा के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, इसमें जो कन्फ्यूजन पैदा करता है वो आपको क्लियर करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा इंसेक्ट है या कौन सा इंसेक्ट नहीं है, तो जो इसमें एक माइट्स, टिक्स, स्पाइडर, स्कॉर्पियन इस तरह के उसमें ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, तो ये इंसेक्ट नहीं है। इसको यही याद रखना है कि इन चारों को ये इंसेक्ट नहीं है, ये अरेक्निडा है, और ये अरेक्निडा है, इनमें 4 पेयर ऑफ लेग्स होगा, और इनका हेड प्लस थोरेक्स दोनों फ्यूज्ड होता है, और फ्यूज्ड होकर सेफेलोथोरेक्स बनाता है। तो इसको यही याद रखना है कि जो माइट्स हैं, टिक्स हैं, स्पाइडर हैं और स्कॉर्पियन हैं,
वो इंसेक्ट नहीं है। जो इंसेक्ट की विशेषता है वो 3 पेयर ऑफ लेग होता है, लेकिन जो अरेक्नेडा की विशेषता है वो 4 पेयर ऑफ लेग होता है। जो अगला है इसमें वो बॉडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, तो बॉडी वॉल के बारे में यहाँ है। बॉडी वॉल पूछा जाएगा नॉर्मली कि किसका बना होता है, तो वो काइटिन का बना होता है। और बॉडी वॉल में 3 लेयर होता है, जिसमें पहला लेयर क्यूटिकल है, दूसरा एपिडर्मिस है, तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इनका उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। जो क्यूटिकल होता है वो नॉन सेलुलर और नॉन लिविंग होता है, और ये काइटिन और प्रोटीन का बना होता है। जो जैसे कि स्नेक में होता है, वो हर अपना वो परच बीच बीच में मतलब निकालता जाता है, उसे इंसेक्ट में भी होता है। तो जो कास्टिंग ऑफ ओड क्यूटिकल होता है इंसेक्ट में, उसको हम लोग मोल्टिंग बोलते हैं। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है लेग इंसेक्ट का। इसमें हमको जो याद रखना है कि जो इंसेक्ट का लेग होता है उसमें 5 पार्ट होता है, जिसमें पहला कोक्सा है, दूसरा ट्रोकेंटर है, तीसरा फीमर है, चौथा टीबिया है, जिसमें और पांचवा है टॉर्सस, जिसमें से सबसे बड़ा पार्ट होता है टीबिया। जैसे कि हम मनुष्यों में क्या होता है, फीमर सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पर ऐसा गलती नहीं करना है। इंसेक्ट में जो सबसे बड़ा होता है वो टीबिया होता है। और इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन किससे जुड़ा होता है, जैसे फीमर से टीबिया जुड़ा होता है, तो इसमें एक ट्रिक है जिसे COT कोट फीमर टाइटर, इसे आपको याद रखना है। कोट से कोक्सा और ट्रकेंटर हो जाएगा, और फीमर से फीमर ही होगा, टीतर से होगा टीबिया और टार्स, तो ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ लेग पढ़ना है। इसमें जो वॉकिंग टाइप है, दूसरा रनिंग टाइप है जिसका एग्जांपल आंट है, तीसरा जंपिंग टाइप का लेग है जिसमें ग्रास हॉपर एग्जांपल है, और अगला ये फरोसियल टाइप का है, डिगिंग टाइप का है, क्रिकेट है ये पूछा गया था, स्विमिंग टाइप वाटर बीटल में पाया जाता है। अगला इंसेक्ट के माउथ पार्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसमें कि मेन जो याद रखना है कि जो माउथ पार्ट होता है उसमें 4 पार्ट होता है, जिसमें पहला लेब्रम है, दूसरा मैंडिबल है, तीसरा मैगिला है, और जो चौथा है वो लेबियम है। तो जो लेब्रम है वो अपर लिप होता है, और जो लेबियम होता है लोअर लिप होता है, इसको याद रखना है। अगला जो है वो प्रकार है, जैसे बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप किस में पाया जाता है। सिंपली यही पूछा जाता है कि ग्रास हॉपर में किस प्रकार का माउथ पार्ट पाया जाता है, तो ये बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है। तो इसका आप सारा एग्जांपल याद कर लीजिएगा, यहाँ पर सब दिया गया है, इसको सारे का एग्जांपल आपको याद कर लेना है कि स्पॉन्जिक टाइप का हाउस फ्लाई होता है, च्यूइंग एंड लाइपिंग टाइप का हनी भी होता है, साइफनिंग टाइप का बटरफ्लाई या मॉस उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर थोड़ा सा लार्वा का प्रकार है, जैसे कि निम्फ है वो ग्रास हॉपर का जो लार्वा होता है उसको निम्फ बोला जाता है, पोरर या मौत का जो लार्वा है उसको कैटरपिलर बोला जाता है, बीटल और बेबिल के ये इस तरह के जो हैं उनका ग्रब बोला जाता है, और फ्लाई है जैसे व्हाइट फ्लाई हाउस फ्लाई वो उनका मैगट बोला जाता है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो अगला है एंड इम्पोर्टेंट भी है, ये मेटामॉर्फोसिस है। मेटामॉर्फोसिस में याद रखना है कि 2 प्रकार का होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा ये जो पूर्ण कायांतरण होगा उसमें चारों होगा, जैसे एक होगा, एक से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से एडल्ट, फिर एडल्ट से वो लार्वा देगा, लार्वा से एडल्ट से एग देगा, एग से लार्वा बनेगा और लार्वा से प्यूपा, फिर वो एडल्ट, तो ऐसा चक्र वो चलता रहता है। तो जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है वो बटरफ्लाई में पाया जाता है, बीटल में पाया जाता है, बी में पाया जाता है, और मॉथ में पाया जाता है, और अदर एग्जांपल है लेकिन ये महत्वपूर्ण है। जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है वो एग होता है, और इसमें लार्वा और प्यूपा दोनों मिलकर निम्फ बनाते हैं, फिर एडल्ट होता है। तो ये जो पाया जाता है इसका जो एग्जाम्पल है वो कॉकरोच है, और ग्रास हॉपर है, और बग हैं, जितने भी बग हैं वो होते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत। फिर अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंपली वही है कि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं पहले भी, कि जो इंसेक्ट होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है उसका बॉडी, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो जो उसका थोरेक्स होता है उसमें 4 गट होता है, मिड गट होता है, और हाइंड गट होता है। 4 गट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट पाए जाते हैं ये है। तो इसको सिंपली ऐसे ही याद पूछा जा सकता है कि ओसोफेगस का क्या काम होता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है इंसेक्ट में। तो इसको सिंपली यही याद रखना है कि जो चारों हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करेंगे,
जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंसेक्ट में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो उसका डाइजेशन मिडगट में होता है और एब्जॉर्प्शन भी मिडगट में होता है। अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसमें इंसेक्ट में लंग्स नहीं पाया जाता है, यानी फेफड़ा नहीं पाया जाता है, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ट्रैकिया होता है और ट्रैकियोल्स होता है, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन सिंपली ऐसे पूछा जाएगा कि ट्रैकिया या ट्रैकियोल्स का इंसेक्ट में क्या काम होता है। अगला है एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूछा जा सकता है, तो जो इनका उत्सर्जन जो पदार्थ होता है वो यूरिक एसिड होता है, और जो एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो मैल्पेगियन ट्यूबुल होता है, ये पूछा गया है। और जो ये मैल्पेगियन ट्यूबुल्स है वो एफिड में एब्सेंट होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है। अगला है सेमियोकेमिकल्स, यानी कि ये इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज जो इंसेक्ट हैं वो मैसेंजर के लिए काम करते हैं, यानी कि जैसे कि चींटियाँ एक लाइन से चलती हैं तो वो एक प्रकार का सेमियोकेमिकल्स का स्त्रवण करती हैं, जिससे सुगंध पाकर पीछे वाले भी उसी लाइन में चलते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक इंट्रा स्पेसिफिक है, एक इंटर स्पेसिफिक है, और इंटर स्पेसिफिक में ये दोनों आते हैं, तो इसको याद रखना है, एलोमोन्स और कैरोमोन्स। जो इंट्रा स्पेसिफिक है उसमें फेरोमोन आता है, जिसमें सेक्स फेरोमोन है, जिसमें ये बॉम्बिक कॉल ये क्या है वो फर्स्ट सेक्स फेरोमोन है जिसका डिस्कवर किया गया था, और सेक्स फेरोमोन का यूज होता है मॉनिटरिंग में, मास ट्रैपिंग में और मेटिंग डिसरप्शन में। दोस्तों आड़स से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें से ग्रास हॉपर और ये बीटल के बारे में पूछा गया था, तो इसका याद रखना है कि कौन सा इंसेक्ट किस आर्डर को बिलोंग करता है, जैसे कि ग्रास हॉपर है, आर्थोप्टेरा को बिलोंग करता है, मॉस्किटो है, डिप्टेरा को है, बीटल है, कोलियोप्टेरा का है, बी है, हेमिनोप्टेरा का, ऐसे सारे का याद रखना जो इसमें है वो इम्पोर्टेंट है। अगला ये थोड़ा सा है इकोनॉमिक के ETL है, इसका जो फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल है, इसका वैल्यू जो है ये मतलब कि इंसेक्ट पॉपुलेशन का जो मान है वो ETL से कम रहना चाहिए, वो लाभदायक होता है, जहाँ ETL से ज़्यादा होगा वो फसलों के लिए हानिकारक होने लगता है। यहाँ पर है कि सीरियल के स्टोरेज के लिए जो सेफेस्ट मॉइस्चर परसेंटेज होता है वो 12% से कम है, उसी प्रकार पल्स क्रॉप के लिए 10% है और ऑल सीड क्रॉप के लिए 8% है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि DPPQS का मतलब कि जो कार्यालय है हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, ये फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। ये सेकंड है डिपा है, यानी डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, इसका जो हुआ था ये 1914 में लागू किया गया था। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, इसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसमें ये पूछा गया था कि एक पैरासिटाइट का एग्जांपल है, तो ये ट्राइकोग्रामा स्पीसीज इसका एग्जांपल होगा, ये ट्राइकोडर्मा नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि ट्राइकोग्रामा एक पैरासिटाइट का एग्जांपल है, उसमें तो ये दोनों दिया रहता है तो ये उसका एग्जांपल नहीं है। सेकेंड है लार्वल पैरासिटाइट के बारे में पूछा जा सकता है, ये कोटेशिया स्पीसीज और ये हैं ब्रैकन हेबिटर, ये लार्वल पैरासिटाइट के एग्जाम्पल हैं। प्रेडेटर के रूप में हम यानी कि कोई भी पक्षी है, जैसे कि वो कीड़े को किसी इंसेक्ट को खाती है, तो जो पक्षी होगा उसको हम प्रेडेटर कह सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कभी कभी हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि DDT या 2,4-D क्या है, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि DDT हर्बिसाइड है, 2,4-D इंसेक्टिसाइड है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो DDT है वो इंसेक्टिसाइड है, और इसका इंसेक्टिसाइड DDT का खोज सबसे पहले 1939 में हुआ था, पॉल मुलर ने किए थे, और इसका सबसे पहले एग्रीकल्चर में यूज 1941 में हुआ था, और USA ने सबसे पहले इसको बैन किया था 1972 में, और इंडिया ने 1982 में इसको बैन किया था। दोस्तों जो 2,4-D है वो हार्मोन है, यानी कि ऑक्सीजन के अंतर्गत आता है, और यदि इसका कंसंट्रेशन 20 PPM से कम होता है तो ये हार्मोन के काम करता है, और जहाँ इसका कंसंट्रेशन 20 PPM से ज़्यादा होता है तो ये हर्बिसाइड का काम करता है। उसी प्रकार BHC है, BHC का यूज भी इंसेक्टिसाइड के रूप में करते हैं, इसके ये कॉमन नेम है गेमेक्सिन है, लिंडेन है, 666 है, HCH है, इसको याद रखना है।
आगे है कि ये कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये यूज किए जाते हैं, तो इनमें नॉर्मली पूछा यही जाता है कि ये जो है पायरेथ्रम है, निकोटिन है, ये प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि पायरेथ्रम फ्लावर से प्राप्त होता है और ये क्राइसेंथेमम से प्राप्त होता है, इसी प्रकार ये रूट से प्राप्त होता है टोबैको के, तो इनको याद रखना है। अगला जो सेकेंड हम लोग वहाँ पर देखे थे इंसेक्ट और क्रॉप के बारे में पढ़ना होगा, तो इसमें जो प्रमुख है लक्षण है या किस स्टेज में आक्रमण करता है, उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, या किस वो डिसीज का वेक्टर के रूप में काम करता है। जैसे राइस का यहाँ पर हम लिए हैं, जैसे इलो स्टेम बोरर है वो डेड हार्ट सिम्टम पैदा करता है, गंधी बग के मिल्की स्टेज में आक्रमण करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ब्राउन प्लांट हापर हापर ब्राउन सिस्टम पैदा करता है और ये ग्रासी स्टेम डिसीज का वेक्टर होता है। जो अगला है वो है व्हीट है, व्हीट में ये गुजिया बीबिल है इसका और टर्माइट है, टर्माइट को कंट्रोल करने के लिए क्लोरपाइरीफास का यूज किया जाता है। अगला ये पल्स क्रॉप है, पल्स क्रॉप में हम लोग पल्स क्रॉप का जो प्रमुख इंसेक्ट है वो पोड बोरर है और सोयाबीन का जो प्रमुख इंसेक्ट है वो गर्डर बीटल है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट जो है वो मस्टर्ड है, मस्टर्ड क्रॉप के बारे में पढ़ना है। मस्टर्ड का जो यूज होता है, सॉरी, मस्टर्ड का जो प्रमुख है इंसेक्ट है वो एफिड है और इसको कंट्रोल करने के लिए इसको अक्टूबर में बोया जाना चाहिए। सीसेम का तिल हाक मौत है, उसी प्रकार अगला है ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट का जो प्रमुख है इंसेक्ट है वो व्हाइट ग्राफ है और इसको रैनी और सैंडी सॉइल में इसका अटैक ज़्यादा बढ़ जाता है। चिली का प्रमुख है इंसेक्ट थ्रिप्स है, क्रूसी फेरी का डीबीएम है, एप्पल का बोली एफिड है और कुकुरबिट्स का रेड पम्पकिन बीटल है। उसी प्रकार मैंगो का मैंगो मिलीबग होता है जिसके कंट्रोल करने के लिए ट्री बेंडिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ यूजफुल इंसेक्ट हैं जिसमें से पहला बी है, दूसरा सिल्क वार्म है, टर्माइट है और अर्थ वार्म इंसेक्ट नहीं है, लेकिन इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसलिए इसको लिख दिया गया है यहाँ पर। तो ये इसको अर्थ वार्म को किसान मित्र या प्राकृतिक हलवाहा भी कहा जाता है और ये टर्माइट है ये सोशल इंसेक्ट के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बी है वो पालिनेटर का काम करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि पालिनेशन का समय क्या होता है, कि सुबह के टाइम पर पालिनेशन होता है कि दोपहर होता है कि शाम में, आपको ये कमेंट करके बताना है। कि हाँ बी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देख लेते हैं, तो ये बी है वो फ्लावर से नेक्टर लेती है, इसका जो फाइलम होगा वो आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा है। बी के कुछ स्पीसीज हैं जिसमें एपिस डोर्साटा आकार में बड़ी होती है और एपिस मेलिफेरा बी कल्चर में सबसे अच्छी मानी जाती है। इसी प्रकार अगला टर्माइट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये क्लोरपाइरीफास से इसका कंट्रोल करते हैं, इसमें ये इसका जो कॉलोनी होता है, कॉलोनी में ये चार लोग रहते हैं, चार प्रकार के लोग रहते हैं, किंग है, क्वीन है, वर्कर है और सोल्जर हैं, जिसमें से जो वर्कर और सोल्जर हैं वो स्टराइल होते हैं, जो क्वीन होता है 1 egg पर सेकेंड देती है और क्वीन किंग से बड़ा होता है। यहाँ पर कुछ आपको ये जो इंसेक्ट है वो वेक्टर के काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको इन चारों का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, कि चिली का जो लीफ कलर होता है उसका वेक्टर क्या है, टोमेटो का जो लीफ कलर होता है उसका वेक्टर क्या है, राइस का जो ग्रासी स्टेम डिसीज है उसका वेक्टर क्या है, और बनाना का जो बंची टॉप डिसीज है उसका वेक्टर क्या है। दोस्तों अगला जो प्लांट पैथोलॉजी है, तो प्लांट पैथोलॉजी से प्रतिवर्ष 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से आपको जो पढ़ना है किसी डिसीज के बारे में, पैथोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है क्योंकि इसमें लास्ट में लागी है, तो किसी डिसीज के बारे में आप पढ़ना है, तो पढ़ना है कि वो किस फसल का है, दूसरा किसके कारण होता है, तो ये फंगस के कारण होगा, वायरस के कारण होगा, बैक्टीरिया के कारण होगा, निमेटोड के कारण होगा, माइटोप्लाज्मा के कारण होगा या प्रोटोजोआ के कारण होगा, उसका कारण का नाम, जैसे कि सिट्रस कैंकर जो होता है, कैंकर सिट्रस में कैंकर डिसीज होता है, उसका कारण बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया का नाम है जेंथमनास, और उसका जो अगर वायरस से होता है तो उसका वेक्टर का नाम याद रखना है। दोस्तों
प्लांट पैथोलॉजी का एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें प्लांट पैथोलॉजी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैं गहराई से डिस्कस किया हूँ, इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसके बारे में। वहाँ से डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप देख सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसमें पहला है कि पंची टॉप डिसीज किस फसल का प्रमुख रोग है, टिक्का रोग किस फसल का प्रमुख रोग है, और ब्लैक रस्ट डिसीज का जो कारण का नाम है, यानी कि किसके कारण होता है उस कारण का नाम। दोस्तों, इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े